तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अगर आप किसी कंपनी को 6 मंथ के बिफोर छोड़ते हो, यानी कि 6 महीने के पहले छोड़ते हो, तो क्या एक्सपीरियंस रिलेटेड रिक्वायर्ड होता है? या अगर आप छोड़ रहे हो और कंपनी बोली नहीं आप रुको, आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, तो क्या ये मैंडेटरी होता है? उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो या फ्रेशर से या एक्सपीरियंस से आप ज्वाइन करते हो किसी नेक्स्ट कंपनी को, तो उसमें होता क्या है कि आपको हो सकता है वो कंपनी अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है जो आपका काम है उस हिसाब से आपको काम नहीं दे रहा है, हो सकता है वर्क प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा। तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमें इस कंपनी में नहीं रुकना, हमें दूसरी कंपनी में जाना है, और हम दूसरी कंपनी में जॉब सर्च करने लगते हैं, और दूसरी कंपनी का हमें ऑफर लेटर मिल जाता है इन केस हमें कहीं जॉब मिल गई। तो उस केस में होता क्या कि जब 6 मंथ के अराउंड या 2-3 महीने 15 दिन 20 दिन, देखो आपका सबसे बड़ी बात, जब आपका पीएफ कट रहा होता है, यानी वो का उस कंपनी में अगर आपको पीएफ मिल रहा होता है, तो आपका पीएफ तो डिडक्ट हो रहा है, यानी कि आपका एक पासबुक क्रिएट हो गया उस यूएन नंबर के अगेंस्ट। उसमें होता है कि देखो, 6 मंथ का एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी काउंट करती नहीं है, तो हमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी कंपनी से लेने का। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड बेसिकली वो 6 मंथ का होता है। तो 6 मंथ में क्लियरली मेंशन होता है कि विद इन द प्रोबेशन पीरियड कंपनी आपको कभी भी इमीडिएट निकाल सकती है, और एम्प्लॉय भी कभी भी कंपनी को इमीडिएट छोड़ सकता है, या कई बार इसमें लिख देते हैं कि कंपनी इमीडिएट आपको छोड़ सकती है, बट एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। तो इस तरीके की कंडीशन उसमें डाल देते हैं। बट अगर आप लीगल वे से देखोगे तो प्रोबेशन पीरियड के पहले एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को छोड़ सकता है, वो चाहे 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, कभी भी उस कंपनी को छोड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम का एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए। बट आप ये देख लेना कि आपका जो पासबुक क्रिएट होगा, उस पासबुक के क्रिएट होने से नेक्स्ट कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस कंपनी में आप जा रहे हो। कई बार कंपनीज बोलती है कि नहीं, आपको करंट कंपनी में मिनिमम 6 मंथ स्टे करना होगा, देन उसके बाद ही मैं आपको जॉब दूंगी या मैं आपको जॉब दूंगा। तो ये किस तरीके की सिचुएशन रहती है, तो आप एक चीज़ मेक श्योर कर लेना कि जो आपका पीएफ पासबुक क्रिएट हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा 1-2% कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। अगर उसका आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप कंपनी को इमीडिएट कभी भी छोड़ सकते हो। इसमें होता क्या दोस्त, जब अपने को 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वहाँ पर नोटिस पीरियड इस वजह से कंप्लीट करते हैं सिर्फ कि हमें अपना एक्सपीरियंस लेटर लेना है। आप खुद सोचो एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अगर कंपनी से इमीडिएट छोड़ देते हो, तो कंपनी कुछ कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। आप चाहो तो कल से भी छोड़ सकते हो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। बट हम इसलिए एक्सपीरियंस लेटर लेने की वजह से हम नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, बाकी कोई भी आपका नोटिस पीरियड या आपको कोई फोर्सफुली काम नहीं करा सकता, या आपको कोई ये नहीं बोल सकता फोर्सफुली नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए। तो आप फ्री टू वर्क होते हो, जब चाहो तब कंपनी को छोड़ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।